हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब? देखिए, आज से हमने आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया है। रीजनिंग यानी अब आपको इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग तीनों सेट आपको डेली जो है मिलते रहेंगे। आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले हम उन प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में 2017 में पूछे गए थे। यानी कुल 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहले हम उन्हीं 8 पेपर को कंप्लीट करेंगे, सेट को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल आप डेली देखते रहें। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जो हमारी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है आपको कैसा लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड यानी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ कि आपको हर क्वेश्चन को सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से करने का प्रयास करना है। सबसे पहले आपको खुद से ही करना है रीजनिंग का हर क्वेश्चन, आपको खुद से करना है। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, तभी आपका जो है बेनिफिट मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप खुद से करिए, तभी आपका फ़ायदा होगा, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और इनको सॉल्व कीजिए चारों को एक साथ। फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे, फिर आगे मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप पोज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस प्रकार जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया तरीके से, और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा हैंड टू हैंड साथ में। और पीडीएफ जो है इसका आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सारे जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है डेली जो है देखते रहना है, डेली लगाने हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आई होप कि आपने वीडियो को पोस्ट किया होगा और इनको सॉल्व भी किया होगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इनका एक एक करके। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सीरीज है ये, सीरीज 4 क्वेश्चन सीरीज से हैं। देखिए, हर सेट में सेम टॉपिक आपको मिलेंगे, 4 सीरीज से हैं तो हर सेट में 4 क्वेश्चन सीरीज से मिलेंगे। हर मतलब सेम टॉपिक आपको मिलेंगे देखने को। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17, 19, 22, 24 और 27, यहाँ पर आपको बताना है कि आगे क्या आएगा 27 के बाद। देखिए, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। 17 और 2 कितने होते हैं? 19, यानी पहले 2 जोड़ दिया। फिर 19 और 2, 22, यानी पहले 2 जोड़ दिया। फिर 19 और 3, फिर क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया, 23 हो गया। फिर 22 और 2, 24, यानी फिर 2 जोड़ दिया। फिर 24 और 3, 27, यानी फिर 3 जोड़ दिया। तो समझ में आया, पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद क्या आएगा? फिर 2, यानी 27 और 2 कितने होते हैं? 29, यानी बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14, 18, 21, 25, 28, और यहाँ पर आपको बताना है क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसका यहाँ पर भी आपको इनका डिफरेंस ही करना है। सबसे पहले 14 और 4 कितने होते हैं? 18, पहले 4 जोड़ दिया। फिर उसके बाद 18 और 3, 21, फिर 21 और 4, 25, और फिर उसके बाद 25 और 3, 28, यानी पहले 4 जुड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 3, और 3 के बाद क्या आएगा? 4 जुड़ेगा, 4, यानी 28 और 4 कितने हो जाएंगे? 32, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। ओके, एक मिनट रुकेंगे यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 6, 6, 10, 11, 14, 16, 18, और आगे बताना है आपको क्या आएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर डबल आपको पेयर बनाना पड़ेगा। देखिए, एक एक संख्या के बाद दूसरी संख्या को लेना पड़ेगा। जैसे शुरू में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर जाइए आप 10 पर, तो इसमें कितना ऐड किया? 4। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 10 और फिर 14 पे 4 जुड़ गया है ना, फिर 18 यानी 4 जुड़ गया। इस प्रकार से आपने समझ में आया ना कि एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या पर जाएंगे, प्लस 4 हो रहा है। फिर अब मैं नीचे वाली पे आऊँगा यानी 6 पर, दूसरे नंबर पर जो 6 लिखा हुआ है, 6, 5, 11, 11, 5, 16, फिर यहाँ पर भी 5 जुड़ के क्या जाएगा? 16, 5, 21, समझ में आया, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर 2, 3, 10, 39 क्वेश्चन मार्क,
1175। तो इसमें आपको बताना है, देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है इसमें कि आपको दो जो संख्या लिखी हुई है दो शुरू में, दो गुणा दो, दो गुणा दो और माइनस के वन, कितना हो गया बराबर तीन आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, तीन गुणा तीन, तीन गुणा तीन और प्लस के वन कर दिया, समझ में आया, ठीक है, यानी तीन तीनों और एक दस, तो दस आ गया यहाँ पर। अब क्या होगा, अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर दस आ गया यहाँ पर, फिर दस गुणा चार, आपके चार से करनी पड़ेगी गुणा और आपके माइनस करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 39। तो इस प्रकार से आपका आपके क्या करना पड़ेगा, आपको 39 की गुणा कीजिए आप 39 और 39 की गुणा हो जाएगी आपके पाँच से इस बार और प्लस के एक हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 196, ठीक है, यानी आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन नंबर सीरीज से थे। आगे देखते हैं, इसको आप वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं शुरू में, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है ए डी जी जे एम और आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, आपको बताना है आगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए ए ए कितना नंबर का होता है, एक का, डी चार, ठीक है, तो मतलब ए में जोड़ा प्लस के तीन किया तो डी आ गया, प्लस के तीन किया डी आ गया, फिर डी में प्लस के तीन किया क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, फिर प्लस के तीन किया ये आ जाएगा, मतलब तीन तीन जुड़ रहा है, तो एम में जब मैं प्लस के तीन करूँगा तो क्या आ जाएगा पी, ठीक है, पी आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पी। आगे देखते हैं एल एम ओ कोमा पी क्यू एस कोमा टी यू डब्ल्यू कोमा क्वेश्चन मार्क, इसमें आपको बताना है। देखिए इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका एल में आप चार जोड़ेंगे, एल में आप चार जोड़ेंगे तो आपका पी आ जाएगा, ठीक है, एल में जब आप चार जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, यानी इस वाले एल में चार जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, ओके, फिर उसके बाद चार जोड़ेंगे पी में तो टी आ जाएगा, है ना, एल एल होता है 12, पी होता है 16, टी होता है 20, तो चार चार जोड़ के आ रहा है, ठीक है, फिर जब टी में आप चार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप चार चार जोड़ के सम में जब आंसर जोड़ोगे तो इसमें आ जाएगा एक्स, फिर बाई आएगा, फिर आ जाएगा ए, एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है टी आर एस बाई डब्ल्यू एक्स डी बी सी, आगे है क्वेश्चन मार्क। अब के इसमें देखिए पहले पिछले क्वेश्चन में चार चार जुड़ रहा था, अब इसमें देखिए यहाँ पर टी 20 नंबर पर होता है और बाई कितना होता है 25 नंबर पर, यानी पाँच जुड़ गया, फिर इसमें क्या आ गया डी आ गया यहाँ पर चार नंबर पर, यानी चार चार होता है डी का, यानी फिर से पाँच जुड़ गया, तो यहाँ पर फिर से आप पाँच जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आई, यानी नो, है ना, मतलब आपके सब में पाँच पाँच जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा आई जी एच, आई जी एच, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखे, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इस प्रकार से आपको क्रम से लिखना है। अब देखिए सबसे पहले कौन सा आने वाला है ये देखते हैं, देखिए शुरू में लिखा हुआ है एम ओ, यानी एम से सारे शब्द स्टार्ट है, ठीक है, तो एम को तो छोड़ देंगे, अब दूसरे संख्या पे आएंगे, दूसरे में पहले वाले पे ओ लिखा हुआ है, बाकी सब में बाकी बीच के तीन में ए है और फिर बाद वाले में ओ है, तो ओ तो बाद में आता है ए से, है ना, तो यानी ये तो सबसे बाद में आने वाले हैं, ठीक है, अब देखते हैं इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो इनमें से पहले कौन सा, देखिए दूसरे नंबर पर ए ए है सब में, फिर तीसरे नंबर पर दूसरे में एस है, दूसरे में एस है और तीसरे में एन है और इस पे एल है, तो एस एन एल में से कौन सा सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है एल, तो पहले नंबर पर कौन सा हो जाएगा ये वाला, यानी चौथा जो है पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब एस और एन बचा यहाँ पर, एस एन में से पहले कौन सा आता है, एन आता है, यानी तीसरा जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद एस आ जाएगा, अब ये
तीसरे नंबर पर, है ना। इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, है ना। चार पहले चौथा आएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पांचवा, और फिर आ जाएगा पहला। इस प्रकार से आप कर लेंगे इसको। अगला है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर बताना है दूसरे स्थान पर। देखिए सब जो है TW से स्टार्ट है, लेकिन जो तीसरा शब्द है वो TE से स्टार्ट है, यानी W से पहले कौन सा आता है, ई अक्षर आता है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा सबसे शुरू में, सबसे पहला कौन सा है, ये वाला। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, TWI, सब में है, इन तीनों में TWI। अब उससे अगला जो देखते हैं वर्ड, इसमें पहले वाले में S है, C में आपका N है, और इसमें है आपका N। तो यानी कि S से पहले कौन सा आएगा, N आएगा, कहने का मतलब सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, A आ जाएगा। अभी हमें दूसरे नंबर पर बताना है, तो इसमें क्या है, G है, और इसमें क्या है, E है। तो E पहले आता है कि G पहले आता है, E पहले आता है, यानी D ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। तो D जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और ये तीसरे पर हो जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा, चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, आसान होते हैं ये करने। आगे हैं, इसमें भी आपको तीसरे नंबर पर बताना है व्यवस्थित करके। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो इसको, दस इसका हो जाएगा सी आंसर, ठीक है, तीसरे स्थान पर आएगा सी। आगे है, ये वाला भी सेम है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार आपको बताना है। तो इसमें भी आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ये सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं आपको अब सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए शुरू में लिखा हुआ है 12 और 156, इसमें मतलब आपको सबसे अलग कौन सा है ऑप्शन, वो आपको बताना है। तो सबसे अलग जो है आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 12 और 156 लिखा हुआ है, देखिए 12 की गुणा जब आप 13 से करेंगे तो 156 आएगा, ठीक है। यानी 12 की संख्या एक संख्या बढ़ा करके गुणा करेंगे तो अगली वाली संख्या मिल रही है, 12 की 13 से 156। 6 की आप 7 से करेंगे 42, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है, ठीक है, तो 42 आ जाएगा। 8 के बाद क्या आता है, 9, तो 8 की 9 से करेंगे 972, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेम इसमें जो है चेंज हो रहा है, इसमें जो है जब मैं 10 की गुणा 11 से करता तो कितना आता, 110, लेकिन यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, तो ये अलग हो जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आपको जो बताना है, इसमें जो सी आंसर हो जाएगा आपका। देखिए इसमें सी कैसे हो जाएगा, आपको क्या करना है इसमें, देखिए सबका वर्ग करके जो तीन डिफरेंट जो तीन है ये बचे हुए, इनका वर्ग करके 2 घटाया गया है, ठीक है। देखिए 11 का वर्ग कितना होता है, 121, तो यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 119। 13 का 169, 2 घटाएंगे तो 167। 14 का 196, 2 घटाएंगे तो 194। लेकिन यहाँ पर जब मैं करता हूँ 144 होता है 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 यानी 2 घटा करके 142 होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 2 ऐड कर रखा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा इनसे। अगला है, अगला जो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, डी अगले में क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। डी ऐसे हो जाएगा, देखिए इसमें सब में जितने भी संख्या लिखी हुई है सब में 2-2 का अंतर है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, एफ है, एफ में को 2 जोड़ूंगा यानी एफ का 6 होता है, 2 जोड़ूंगा 8 यानी एच आ जाएगा, फिर 2 10 यानी जे हो जाएगा, फिर 2 12 यानी एल हो जाएगा। तो इनमें सब में 2-2 जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे डी ऑप्शन में, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, यानी ये जो है अलग है, इससे अलग हो जाएगा, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ये। 15 देखते हैं, 15 नंबर पर, 15 का आपका हो जाएगा डी, 15 का डी हो जाएगा। देखिए डी ऐसे हो जाएगा क्योंकि सब में जो है पहले 1 जुड़ा, देखिए पहले वाला ऑप्शन में देखता हूँ, पहले 1 जुड़ा, फिर उसके बाद डी प्लस, देखिए पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, ऐसे जुड़ रहा है, यानी 1, 2, 3 करके ऐसे जुड़ रहा है इन तीनों ऑप्शन में, डी के अलावा जो तीन ऑप्शन है इसके अलावा 1, 2, 3 ऐसे करके जुड़ रहा है। लेकिन जब आप डी ऑप्शन में देखेंगे, पहले 1 ऐड किया, फिर 3 ऐड हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 ऐड हो गया, यानी ये वाला क्रम जो है गलत हो गया, तो ये इन तीन शेष से डिफरेंट हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी।
यहाँ पर मैं लिख के जो है ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जो उंगली से जो है स्क्रीन पर लिखा नहीं जाता इतने अच्छे तरीके से, इसलिए मैं कम से कम लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक से लिखा नहीं जाता उस पर। चलिए आगे, मोबाइल की स्क्रीन होती है ये, तो इस पर ठीक से लिखा नहीं जाता इसलिए मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16 देखिए, बादल आकाश, बादल जो कहाँ पर होते हैं, आकाश में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अंग काय में होते हैं, शरीर में अंग होते हैं, ठीक है बिल्कुल सही बात है ये भी। जल नदी में क्या होता है, जल होता है, ठीक है, यानी ये चीज़ जो है, अब देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इधर कमरा लिखा हुआ है और इधर घर लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। कमरे में घर नहीं होता है, कमरे में घर नहीं होता है, घर में कमरा होता है, ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर आकाश में बादल होते हैं, शरीर में अंग होते हैं, नदी में जल होता है, लेकिन कमरे में घर नहीं होता है, घर में कमरा होता है, यानी उल्टा लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला है दही, दूध, दूध से दही बनता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपका अलग हो जाएगा, अभी बताऊंगा कैसे होगा। लुगदी से कागज़ बनता है, बिल्कुल सही बात है। गन्ने से चीनी बनती है, ये भी सही है, लेकिन देखिए अन्न से चावल बनते हैं, अन्न से चावल थोड़ी बनते हैं, बल्कि चावल क्या होते हैं, अन्न होते हैं, तो ये आपका अंतर अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए बर्फ ठंडी होती है, बिल्कुल सही बात है, बर्फ जो है ठंडी होती है। अग्नि, अग्नि में क्या होती है, गर्मी होती है। बल्ब रोशनी देता है, बिल्कुल बल्ब में रोशनी होती है, लेकिन सोना, सोना जगना एक दूसरे के विपरीत हो गए, तो यहाँ पर आपका डी आंसर जो है हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो इसको वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए आप और इनको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे इसका जो शुरू में, शुरू वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कैसे हो जाएगा, वर्ग कीजिए और उसमें एक ऐड कीजिए, यानी देखिए 10 से 101 कैसे बना, ये आपको ध्यान देना है कैसे बना, 10 का वर्ग करना है, 10 का वर्ग करना है और उसमें एक ऐड कर देना है, क्या कर देना है, एक जोड़ देना है, तो 10 दहाई 100 और प्लस के एक यानी 101। फिर उसी प्रकार 12 का वर्ग करेंगे आप, 12 का वर्ग कितना होता है, 144 और उसमें एक जोड़ देंगे, तो यानी 144 और एक 45 आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सवाल में इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें बड़ी संख्या देख करके आप मतलब एकदम से घबरा मत जाना, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है बड़ी संख्याओं का, देखिए इसमें भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो आपको इन इन संख्या से आपको 20 बनाना है कि 20 कैसे आएगा, 20 कैसे आएगा, इसको आप ऐड कीजिए, ये जो संख्या लिखी हुई है 3, 4, 7, 6 इनको सबको ऐड कीजिए 20 आ जाएगा, तो 3, 3 और 4, 7 और 7, 14 और 6, 20, उसी प्रकार यहाँ पर इनको ऐड कीजिए और जो संख्या आएगी ऐड करके भाई हमारा आंसर हो जाएगा 4 और 2, 6 और 3, 9 और 5, 14, यानी ए हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पर, ये भी ऐसी बड़ी संख्या लिखी हुई है तो इसमें भी आप गुणा भाग घटा जोड़ यही चीज़ होगी और आपका अगली संख्या मिल जाएगी, तो आप बताइए इसमें कैसे करके लाएंगे आप 84, इस संख्या से 84 बनाना है आपको, तो कैसे लाएंगे, देखिए सबसे पहले आप इन संख्याओं की आपस में गुणा कर दीजिए, आपका 84 मिल जाएगा, 2 × 4 = 12 और 12 × 7 = 84, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर गुणा करनी है, 3 × 18 और 18 × 72 और 72 × कितने होते हैं 144, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे है 22वां क्वेश्चन, रोम और ये ROM और QNNL, इसे आपको आगे ऐसी बनाना है कि ये रेंट से क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कैसे होगा देखिए आपको मैं बताता हूँ, R से Q बना, यहाँ से एक मिनट रुकना, यहाँ पर R से देखिए यहाँ पर Q, तो Q यानी एक घट गया, फिर O से यहाँ पर N बना तब भी एक घट गया, यानी पहले में से एक घटाया जा रहा है हर संख्या में से, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें घटाना पड़ेगा एक एक, तो एक एक जब आप इसमें से घटाएंगे तो सबसे पहले R में से जब आप एक घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, R में से जब एक घटाएंगे तो Q बचेगा, है ना, फिर E में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, D बचेगा, और फिर उसके बाद M और S, है ना, तो इस प्रकार से M
और फिर एस बचेगा आपका, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ये ए। ओके चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ये संख्या, इससे ये बना है तो इससे क्या बनेगा आपको बताना है यहां पर। तो देखिए एक एक करके देखते हैं संख्या को। पहले लिखा हुआ है इसमें P है ना, और यहाँ पर Q लिखा हुआ है, तो P से Q कैसे बनेगा, P में को एक ऐड करना पड़ेगा तो हमारा Q बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है H दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है J, तो H होता है 8 और J होता है 10, यानी H से अगर मुझे J बनाना होगा तो मुझे दो ऐड करना पड़ेगा। पहले में मैंने एक ऐड किया, फिर दो ऐड किया, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, इस प्रकार से आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, पहले एक जोड़ना पड़ेगा, एच में एक जोड़ूंगा तो क्या जाएगा 9 यानी आई, फिर E में दो जोड़ूंगा तो क्या जाएगा G यानी 7, तो इस प्रकार से आपका I G O P T यानी A ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है, इससे अगर ये बना है तो इससे क्या बनेगा, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, ये थोड़ा देखिए बहुत इजी है। ये जो संख्या है P, P का एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर दे रखा है, P का उल्टा क्या होता है K होता है, H का उल्टा क्या होता है S होता है, Y का B, यानी कि एक दूसरे के विपरीत संख्या यहाँ पर लिख रखी है इस वाले सेट में, इसको एक विपरीत करके लिख रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे उल्टा करके लिखना पड़ेगा इसका विपरीत। तो C का विपरीत क्या होता है, C का विपरीत होता है X है ना, H का क्या हो जाएगा S, E का क्या हो जाएगा V, इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है A, ठीक है, A हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एक दूसरे के विपरीत उल्टे शब्द जो है लिख रखे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला है यहाँ पर चाकू काटना, तो कमल क्या है, चाकू से क्या काम होता है काटने का, तो कलम से जो क्या काम होता है, कलम से होता है लिखने का काम है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर। आगे देखते हैं न्यायालय, न्यायालय न्याय है तो महाविद्यालय क्या है, देखिए न्यायालय में क्या होता है, न्यायालय का काम क्या होता है न्याय करना, तो महाविद्यालय का जो काम होता है वो होता है शिक्षा प्रदान करना है ना, शिक्षा देना, तो इसका भी ए हो जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए मुर्गी, मुर्गी पिंजरा तो खरगोश क्या है, मुर्गी और पिंजरे का क्या संबंध है, मुर्गी पिंजरे में रहती है तो खरगोश कहाँ पर रहता है, खरगोश रहता है मांद में, खरगोश छप्पर में नहीं रहता, जाले में नहीं रहता, गुफा में नहीं रहता, कहाँ पर रहता है मांद में रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आपको बताना है 28वां क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए 11 13 7 और बीच में एट द रेट दे रखा है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इससे बना है ये, इससे बना है ये, तो इससे आगे क्या बनेगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। देखिए शुरू वाली संख्या जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाली संख्या आपको इसमें भी दिख रही होंगी, 11 13 7 इसमें दिख रहा है ना बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को ऐसे उठा करके रखा गया है। अब किस क्रम में रखा गया है वो आपको देखना है। देखिए सबसे शुरू में लिया गया है बीच वाली संख्या को, किसको, बीच वाली संख्या को, फिर उसके बाद यानी 13 आ गया, फिर उसके बाद दूसरी संख्या को लिया गया है, बाद वाली को लिया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद पहली वाली को लिखा गया है, ठीक है। सेम प्रोसेस अगले वाले में भी है, चेक कर लेंगे आप एक बार को, फिर ऐसे ही उठा करके यहाँ पर भी रखना है। सबसे पहले बीच वाली यानी 6 आएगा, फिर लास्ट वाली यानी 13 आएगा, फिर शुरू वाली यानी 12 आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा सी, 6 13 12। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29 पर। तो आपको इसमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको चिन्ह बताना है कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, और आप कैलकुलेशन करके यहाँ पर देख लेंगे आराम से, कोई भी प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इन संख्या से, ये जो संख्या दी हुई है, कौन सा शब्द है जो इन ऑप्शन में से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इन संख्याओं में से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पहला इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी इसमें बी ऐसा ऑप्शन है जो इन शब्दों से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, डी,
डी जो है इनमें नहीं है, इसमें जो है डी नहीं है, इसलिए जो है मैं बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी डी की वजह से, क्योंकि इसमें डी नहीं है तो ये वाला शब्द मैं नहीं बना सकता, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ऐसे आगे देखना है, इसमें से इससे आप ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों ऑप्शन में जो नहीं बना सकते हो, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें जी नहीं है, इसमें जो है जी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पर जी दिया हुआ है, तो इसलिए मैं ये नहीं बना सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, कथन निष्कर्ष हैं अगले क्वेश्चन। तो टॉपिक जो है आपके सेम रहते हैं इसमें, मतलब जैसे कथन निष्कर्ष दो हैं तो दो पूछे ही जाने हैं, ऐसे ही आपको जैसे नंबर सीरीज से चार पांच क्वेश्चन पूछे जाने हैं, है ना, और वर्गीकरण से चार पांच क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ऐसे जो है सेम टॉपिक जो इसके फिक्स रहते हैं, तो आप बिल्कुल एक एक टॉपिक करके भी आप प्रैक्टिस करिए, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए कथन निष्कर्ष से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं यहाँ पर। उसने कहा सभी कप प्लेट हैं, तो सभी कप प्लेट हैं, कप क्या हैं, सभी सभी कप प्लेट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सभी प्लेट लाल हैं, तो लाल वाला सबसे बड़ा हो गया, तो इस प्रकार से आपका जो डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि सभी निष्कर्ष में पूछा गया कि सभी कप लाल हैं, तो जब आपका ये वाला डायग्राम बन रहा था उसमें कहा कि सभी कप लाल है, और कप वाला कौन सा डायग्राम था हमारा, लास्ट अंदर वाला, ठीक है अंदर वाला था, तो सभी कप जो हैं लाल हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंदर वाला जो बाहर वाले का सभी होता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। फिर दूसरा है सभी प्लेट कप हैं, सभी प्लेट, प्लेट कौन सी है, बीच वाली है, प्लेट कौन सी है, बीच वाली है, तो सभी प्लेट कप हैं और कप जो है अंदर वाले हैं, तो क्या सभी प्लेट कप हैं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं है सभी प्लेट कप। फिर उसके बाद है सभी लाल प्लेट हैं, सभी लाल, लाल कौन सा, ये बाहर वाला है, तो क्या सभी लाल प्लेट हैं, यानी बाहर वाला तो कुछ होता है अंदर वाले का, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो है केवल ए, यानी पहला हो जाएगा केवल ए। चलिए अगला वो देखते हैं कथन निष्कर्ष, आगे लिखा हुआ है कुछ आसमान, तो मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, कुछ आसमान नीले हैं, कुछ आसमान जो है, कुछ आसमान यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्या है वे, नीले हैं, नीले, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नीले नरम हैं, तो कुछ नीले जो है नरम है, तो यहाँ पर आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, कुछ नीले नरम हैं, कुछ आसमान नीले हैं, कुछ नीले नरम हैं, या फिर आप एक यहाँ पर भी खींच सकते हैं कुछ नीले नरम है, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो निष्कर्ष वही सही होगा जो दोनों को, जो दोनों के लिए परफेक्ट हो, यानी वो इसको भी सही करे और इस वाले को भी। अब देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष पे, देखिए उसने कहा पहला निष्कर्ष है कुछ आसमान नरम है, आसमान क्या है ये रहे, नरम क्या है ये रहे, देखिए आसमान नरम इसके हिसाब से तो है, लेकिन इसके हिसाब से है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो इसके हिसाब से मैंने कहा कि दोनों के हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, दोनों के हिसाब से फिक्स होना चाहिए, तो ये जब इस दोनों के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। आगे है कुछ नरम आसमान है, तो कुछ नरम ये रे नरम आसमान है, तो देखिए इसके हिसाब से जो नरम है आसमान है, लेकिन इसके हिसाब से नरम जो है वो आसमान नहीं है, तो दोनों के हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत कट जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा वो यानी सी हो जाएगा, कि इसमें न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं, ये दिया गया है यहाँ पर, देखिए इसमें लिखा गया है एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ टमाटर है, टमाटर का अर्थ जो है दूध है, और दूध का अर्थ क्या है, मृदा है, मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है, तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है, तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पर कि पौधा किसमें उगता है, तो आपको पहले तो बेसिक पता होना चाहिए कि पौधा उगता कायम है, सब जानते हैं मृदा में उगता है पौधा, ठीक है इतनी बात पता चल गई आपको। अब इसमें मृदा को क्या बताया गया है वो आपको देखना है, तो आपको यहाँ पर आप देख करके कि पौधा किस में उगता है, आप मृदा ऑप्शन मत लगा देना, ये गलत है, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें मृदा को क्या कहा गया है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कि मृदा का अर्थ है सफ़ेद, यानी मृदा को सफ़ेद बताया गया है, इसलिए पौधा कायम उगेगा सफ़ेद में, तो बी आपका आंसर जो है सही रहेगा। आगे है अगला है
इसमें इसको लिखा गया है ये जायंट को और फ्रेल को लिखा गया है ये, तो ये इसको ग्रेन को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। देखिए इसमें से आपको जैसे जी आर ए, तो इसमें जी है, आर है, ए है, मतलब ये वाले शब्द जो है आपको इन दोनों में मिल जाएंगे और उसी हिसाब से आपको उठा करके यहाँ पर फिट कर देना है। जैसे यहाँ पर जी का क्या लिखा हुआ है, 9 है ना, तो जी का क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 9। फिर उसके बाद आर का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर उसके बाद ए का क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर आई का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई यहाँ पर इस वाले में है तो क्या लिखा हुआ है, 6, तो 6 लिखेंगे। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना, 9, 8, 4, 6, 3। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये भरने हैं आपको, इसमें क्या कौन सी उसमें क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो मुझे 2 से ये निष्कर्ष निकालना है कि भाई ये कैसे आए हैं, 81 और 100 यहाँ पर कैसे आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको जोड़ेंगे यानी 2 को 3 को और 4 को, कितना हो जाएगा, 2 और 3, 5 और 4, 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 और 2, 9 और 1, 10, और 10 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 9 और 1, 10 और 1, 2, 12 का वर्ग क्या होता है, 144। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो 144 का आंसर हो जाएगा। आगे हैं, इसमें आपको बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है। तो दो ये वाली संख्या मुझे पता लगानी कि ये कैसे आई यहाँ पर। तो देखिए शुरू में यहाँ पर देखेंगे 6 और 5, 6 5 31 लिखा हुआ है, और कहीं ना कहीं 5 6 30 होते हैं और 1 31, यानी साइडों वालों की इनकी गुणा कर दी और बीच वाले को ऐड कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पर चेक कर लेते हैं, और 5 7 35 और 3 38, है ना, यानी 2 साइडों वाले की गुणा करके बीच वाले को ऐड किया गया है। तो 9 2 18 और 4 कितने होते हैं, 22, तो 22 हमारा जो है आंसर हो जाएगा ए। आगे है, तो यहाँ पर बताना है मुझे कि क्या आएगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये जो है संख्या यहाँ पर कैसे आई, है ना। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2 की गुणा 4 से करिए, 2 चौक 8 और 8 और 5 13, ठीक है, यानी ऊपर वालों की गुणा करके ये वाली संख्या ऐड कर दी गई है, जैसे 4 3 12 और 6 18। तो इसी प्रकार 9 चौक 36 और 3 कितने होते हैं, 39, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें बताना है कि इसमें क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है बिल्कुल, इसको ऐड कीजिए तीनों को और यहाँ आपको संख्या मिल जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर 3 और 6 9 और 9 2 18, ऐसी 5 और 4 9 और 8 17, है ना, तो ऐसे यहाँ पर ऐड कीजिए, यानी 9 4 13 और 7 20, तो हमारा 20 आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो ये 2 क्वेश्चन आप पहले इसको पोज कीजिए और सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऋचा और उसके पति की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। आज से 5 वर्ष पश्चात उसके पति तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 होगा। यदि ऋचा की वर्तमान आयु 21 वर्ष हो तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, उंगली से जो है सही से जो है कैलकुलेशन जो होती नहीं है, यानी लिखा नहीं जाता, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बोलकर ही बताऊँगा। देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि ऋचा की वर्तमान आयु भाई कितनी है, 21 वर्ष है इसमें दी हुई है, लेकिन उसमें कहा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:1 ऋचा और उसके पति की। तो अब आप मुझे बताइए, 3 है, ऋचा का अनुपात कितना है, 3, ये लिखा हुआ है, और आयु कितनी है, 21 वर्ष, है ना, यानी वर्ष में कितनी है, 21, और अनुपात में है 3। तो देखिए इससे क्या करेंगे आप कि 3 बराबर 21 है तो 4 बराबर क्या होगा, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 3 7 21 और 7 चौक 28, यानी उसके जो पति की आयु कितनी है, 28 हो जाएगी। समझ में आया, यहाँ से निकल के 28 आ गई। अब उसने कहा कि आज से 5 वर्ष पश्चात, यानी आज से 5 वर्ष के बाद पति तथा पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1, तो वर्तमान आयु कितनी है उसके पति की,
28 है ना, मतलब उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी 28 है, तो 5 वर्ष अब मैं इसमें ऐड करूँगा तो कितनी हो जाएगी 33, अब 33 हो जाएगी, और अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। तो यहाँ से फिर हम ऐसे करेंगे कि 3 = 33 हो जाएगा, तो भाई 1 = कितना है, तो 3 × 3 = 11 = 33, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लड़कों की एक पंक्ति में, तो पंक्ति से सवाल है, कमल का स्थान बाएं छोर से 31वां है। देखिए यहाँ पर कोई पंक्ति लिखी हुई है, यहाँ पर ये कोई पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति है बाएं छोर से 31वां है, किसका स्थान कमल का, कोई कमल है तो बाएं किधर होगा, ये होगा, यानी इधर से 31वां है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि करण का स्थान दाएं ओर से 29वां है, करण नाम का कोई व्यक्ति है और 29 यानी 29 है, ठीक है, इधर से बाएं ओर से, दाएं ओर से सॉरी, अपने स्थानों को परस्पर बदलने पर कमल का स्थान बाएं छोर से 43वां हो जाता है। उसने कहा कि जब भी एक दूसरे को बदल लेते हैं स्थान को, तो कमल का जो स्थान है वो बाएं ओर से 43वां हो जाता है, यानी अगर यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, तो जब ये कमल जो है ये वाला यहाँ पर पहुँच जाता है तो कितना हो जाता है ये 43, इधर से कितना 43, और आपको पता है कि ये करण यहाँ पर 29वें नंबर पर था, यानी प्लस के 28 इधर और हैं, है ना, और 43 हो गई, ये समझ में आ रहा है ना कि इधर से तो 43 हो गया और 29 तो था ही ये पहले इधर से, तो कितने हो जाएंगे 43 और 29 को ऐड कर देंगे, तो 43 यानी 43 और 29 यानी कि 9 × 3 = 12, 29 है यहाँ पर ये, और 6 यानी 7, तो कितना हो जाएगा 72, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको कैसे करेंगे, 6 तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, 6 तौलियाँ हैं उसको एक के ऊपर एक रखा गया है, अलग अलग कलर की तौलियाँ हैं 6, बस आपको बताना है कि कौन सी उसके बाद रहेगी, जो भी क्वेश्चन आगे पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाल रंग का, चलो तौलिए को छोड़ देता हूँ, लाल सफ़ेद रंग के ठीक ऊपर है, तो लाल जो है, लाल ऊपर है किसके, सफ़ेद के, ठीक है, लाल जो है सफ़ेद रंग के ऊपर है, ठीक ऊपर है, पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के तौलिए के बीच में है, तो पीले रंग का जो तौलिया है वो नीले और हरे के बीच में है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे यहाँ पर, देखिए पीले रंग का तौलिया नीले और हरे के बीच में है, तो यहाँ पर मैं अलग लिख लेता हूँ पीला, तो पीला जो है, पीले रंग का तौलिया नीला, तो नीला एक नीचे लिख लिया मैंने, नीले रंग के तौलिया और हरे रंग के तौलिए के बीच में, हरा ऊपर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद कहा गया है, उसके बाद है कि गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिए तथा नीले रंग के तौलिए के मध्य है, तो गुलाबी जो है वो लाल और नीले के मध्य है, कहने का मतलब अगर लाल गुलाबी मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा नीला, और नीले से ऊपर क्या है पीला, पीले से ऊपर क्या है हरा, है ना, ये वाला सेट आप यहाँ पर उठा के रख देंगे। उस प्रकार से आप क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में है कि गुलाबी तथा यहाँ पर क्या है ये, हाँ गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिए के मध्य कौन सा रंग होगा, तो गुलाबी और पीले, तो गुलाबी ये रहा और पीला ऊपर है, तो कौन सा है नीला इसके बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर डी, नीला हो जाएगा, ठीक है। तो आप कॉपी पर आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें, मतलब उंगली से लिखा नहीं जाता इसलिए ठीक से। चलिए आगे देखते हैं, ए की वर्तमान आयु बी की दुगनी है 5 वर्ष बाद, तो ये आयु वाला क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे लिखा हुआ है बी की दुगनी है 5 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु का 4 गुना होगी, यदि सी ने अपना 7वां जन्मदिन 4 वर्ष पहले मनाया था तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ये आपको बताना है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसको कैसे करेंगे, उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद, सबसे पहले इस पर आप ध्यान दीजिए कि 7वां जन्मदिन जो है 4 वर्ष पहले मनाया है, तो आज जो है वो कितने वर्ष का हो गया है, 7 में को 4 जोड़ेंगे यानी 11 वर्ष का हो गया है, बिल्कुल सही बात है,
उसने कहा है कि 5 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगी। कब? 5 वर्ष के बाद 4 गुना हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर देखिए, उसने कहा है कि 5 वर्ष के बाद वर्तमान आयु का 4 गुना हो जाएगी। तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है सी की? अभी हमने निकाला था 11 वर्ष है। 4 गुना कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी, 44 हो जाएगी। लेकिन कब है ये? 5 वर्ष के बाद। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 39 होगी, है ना, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जब 44 है तो अभी कितनी होगी? 39 वर्ष होगी। तो बी की 39 वर्ष हो गई, है ना। लेकिन कहा है ए की जो है आयु बी से दुगनी है, है ना, और ए की आयु पूछा है। तो भाई दुगनी, 39 का दुगना कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 × 18 और यहाँ पर 7, ठीक है, यानी 78 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो ये आपको आकृति फिट करनी है इसमें, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इनका आंसर। इसमें आपको आकृति जो है फिट करनी है, कौन सी किस में आएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए वाली जो इसमें फिट रहेगी। और आगे देखते हैं, यहाँ पर इसमें बताना है कि ये वाली आकृति जो है क्वेश्चन वाली इन कौन से ऑप्शन में है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इस वाले में है, ठीक है, चेक कर लेंगे आप। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको फटाफट से बता रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आकृति वाले क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, 47वें का आपका हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा। और 48, इसमें क्या पूछा गया है? एन युक्त फलक के विपरीत क्या है? तो एन के विपरीत आपको बताना है, एन के विपरीत क्या हो जाएगा? एन यहाँ पर है, ठीक है, तो एन के विपरीत क्या हो जाएगा? क्यू नहीं हो सकता, डब्ल्यू नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में मतलब एक जगह जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका ए, एस हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल। तीसरे खाने को छोड़कर, मतलब तीसरा वाला जो कॉलम है उसको छोड़कर क्या हो जाता है? विपरीत होता है, मतलब तीसरे दूसरे नंबर पर जो होता है, ठीक है। तो एस जो है हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा। आगे हैं 49वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको हर सेट में मिलेगा इस प्रकार का। तो इसमें जो है कुछ नहीं करना होता है इसमें, देखिए इस पर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा जो सेट नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर देखिए 49वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे? ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर प्रैंक, PRANK, बस इनमें से आपको छाट करके रखना है। जैसे पी है, शुरू में क्या लिखा हुआ है? पी है, तो पी में देखेंगे आप, पी कहाँ पर है, पी कहाँ पर है आपका? पी ये रहा एक, तो पी है ना इस वाली लाइन में, और पी इस वाली लाइन में भी है, ठीक है, तो और पी यहाँ पर भी है, तीन जगह आपको पी मिला। सबसे पहले आप देखेंगे इस वाले पी का क्या मतलब है, इस वाले पी में इधर क्या है? 5 लिखा हुआ है, तो 5, और उधर क्या है? 8 लिखा हुआ है ऊपर, है ना, ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो 58 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर 7 है और इधर 6 है, तो 76 हो जाएगा। फिर इधर वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है? 5 है, है ना। तो आपको देखना है 58, 76 और 95 से कौन कौन सी संख्या स्टार्ट है। देखिए 58 से भी स्टार्ट है, 76 से भी स्टार्ट है, लेकिन 23 से कोई सी भी संख्या मतलब पी के लिए सुटेबल नहीं है, तो 23 तो कट जाएगा और 95 भी है। तो इस प्रकार से ऐसे कर लेंगे आप, आपका बचेगा आंसर डी, ठीक है। 50 और देख लेते हैं यहाँ पर, 50 नंबर पर लिखा हुआ है आपको, इसमें पूछा गया है कितने लाल फल जो है पके हुए हैं। तो लाल कौन से? लाल और फल और पके हुए हैं, कितने लाल फल हैं, जो मतलब कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों में, क्योंकि लाल भी पूछा है, फल भी पूछा है और पके हुए भी पूछा है, तो तीनों में जो है कौन सी संख्या है वो 8 है, ठीक है। 8 जो है तीनों कॉलम में है, 8 है ना, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है 50 क्वेश्चन का सेट होता है इस प्रकार से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताए, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से आपके जो सेट जो है चलते रहेंगे, आप हर सेट को लगाइए अच्छे से, आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।